लोगों का ये ख्याल है कि गुर्दे की जो स्क्रीनिंग है वो बड़ी महंगी है, बड़े महंगे टेस्ट करवाना पड़ते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, गुर्दों के बड़े सिंपल से टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, वो भी सिलेक्टिवली हम पेशेंट का डिसाइड करते हैं। तो ये जस्ट 15 to 2000 में आपके मुकम्मल तौर पर गुर्दे स्क्रीन हो जाते हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं या ठीक काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद लोगों का ये कहना होता है कि जब हम उनकी डाइट डिस्कस करते हैं कि जी हमें तो ये बताया गया था कि पानी ज्यादा पीना है, बिल्कुल ऐसी बात है, जिनके गुर्दे सेहतमंद होते हैं उनको हम ज्यादा पानी पीना ही एडवाइस करते हैं, लेकिन जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, सही काम नहीं कर रहे होते, उनको हमने पानी रिस्ट्रिक्ट करना होता है, कम पीना होता है, और ज्यादा पानी पीना उनके लिए नुकसानदेह होता है। इसी तरह से मिसकंसेप्शंस हैं मुख्तलिफ, हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं या जीपी प्रैक्टिस करते हैं वो लोग डाइट के बारे में उनका ये कहना होता है कि जी आपने बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाना, आपने बिल्कुल भी दालें नहीं खानी, सारे पत्ते वाली सब्जियां भी नहीं इस्तेमाल करनी। हालांकि ऐसा नहीं है, हमने गुर्दे का जो पेशेंट है उसकी रिपोर्ट्स के लिहाज से, उसकी जो बीमारी की वजह है उसके लिहाज से एक बैलेंस डाइट एडवाइस करना होता है, जिसमें गोश्त भी शामिल होता है। बॉडी वेट के लिहाज से हम उनको कैलकुलेट करके बताते हैं, उसके अलावा वो दालें भी खा सकते हैं, वो पानी भी पी सकते हैं, और वो सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी रेशो डिसाइड की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें माना हो, उसकी वजह से लोग वक्त के साथ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उनको कई और बीमारियां भी लग जाती हैं।